हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट आईसर कट ऑफ एनालिसिस। ओके, आईसर में कितने मार्क्स पे कौन सा इंस्टीट्यूट मिल रहा है आपको, कितने मार्क्स पे किस राउंड में कौन सा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, तो इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं गाइस। तो यार, आईसर पुणे का जो कट ऑफ है एटलीस्ट 129 देखा गया है। जितने भी बच्चों की काउंसलिंग की है, जितने भी बच्चों का एडमिशन हुआ है, उस बेसिस पे एटलीस्ट 129 तक आईसर पुणे मिला हुआ है। और आईसर कोलकाता की अगर अपन बात करें तो 117 से 18 पे आयसर कोलकाता मिला है। आयसर भोपाल जो है एटलीस्ट 109 से 111 तक मिला है। और जो ये आयसर तिरुपति है वो यार 106 तक मिला है, ठीक है। और जस्ट 100 नंबर से नीचे कोई भी आयसर नहीं मिला है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए बच्चे। 100 नंबर से नीचे तक अभी तक कोई आयसर नहीं मिला है। और अगर अपन बात करते हैं थर्ड राउंड तक की, तो थर्ड राउंड तक अगर आपके 80 या फिर 78 से अबव अगर मार्क्स है तो आपका ठीक ठाक कंडीशन मान सकते हो कि अपनी कंडीशन ठीक है। और जनरल कैटेगरी रैंक एटलीस्ट 2100-2200 मान सकते हो। ओके, और यार जस्ट जो है अगर आप SC ST कैटेगरी से हो, तो अगर तुम्हारे एटलीस्ट 60 या फिर 55 55 से 60 65 के बीच अगर मार्क्स है तो अपनी कंडीशन ठीक मान सकते हो तुम। और जिन बच्चों को थोड़ा डर लग रहा है ऐसा कि भैया होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो मतलब हमारा तो एक साल खराब हो गया है और कोई रास्ता ही नहीं है, साइड कोई साइड व्यू ही नहीं है। और जो बच्चे यार सिर्फ आईसर के पीछे टिके हुए हैं, मार्क्स ठीक नहीं है, तो उन लोगों को अपना कोई अच्छा एक कॉलेज का सपोर्ट ले लेना चाहिए, क्योंकि आईसर में भी मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सीट्स तो उतनी है, आईसर तो सिर्फ 7 ही है। कुछ बच्चे इसको JEE से कंपेयर कर रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईसर का जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है वो सिर्फ आईसर में ही एडमिशन लेंगे, वो इस टेस्ट का और कहीं काम नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर अपन JEE की बात करते हैं तो उसके कट ऑफ के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चे अदर में चले जाते हैं, कोई गवर्नमेंट कोई प्राइवेट कोई GFTI, जो है जो आईसर का जो है इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, समझ रहे हो। क्योंकि जिस बच्चे के 1 रैंक आई है वो भी एडमिशन लेगा, जिसके 20 आई है वो भी लेगा, 500 आई है वो भी लेगा, क्योंकि जो बच्चे आईसर का टेस्ट दे रहे हैं वो आईसर में ही एडमिशन लेने वाले हैं। ओके, तो जस्ट आपका कंडीशन मार्क्स ठीक पोजिशन पे नहीं है तो आपको अपना साइड व्यू बना के चलना है, एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करना है। टाइम बहुत कम है यार, ऑलमोस्ट सारी की सारी काउंसलिंग स्टॉप हो चुकी है, जो सा CSA भी चल रहा है। अगर आईसर में कुछ चांसेस नहीं लग रहे तो अपना एक साइड व्यू, अपना एक अदर फील्ड देन साइड के अंदर रखें। अगर आपका आईसर में हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो बाई चांस अगर आपका एक साल खराब नहीं करना, आपको फिर से प्रिपेयर नहीं करना है, तो अपना एक साइड व्यू बना के चले। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड यार अभी तो जस्ट शुरुआत है, ओके, और अभी आपको जस्ट ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी और भी राउंड चलेंगे। और जिन बच्चों को फर्स्ट चॉइस का अपना आईसर मिल गया, सेकंड चॉइस का मिल गया, वो आपकी चॉइस नहीं है, तो यार वो चांसेस तो कम ही बनते हैं, क्योंकि 1-2 सीट ही लेफ्ट होती है। ओके, लेकिन हाँ 1 या 2 सीट तो मिल जाती है अगर आपकी बहुत अच्छे मार्क्स है, जैसे कुछ बच्चों के 160 मार्क्स भी है, कुछ के 163 भी है, उसको फर्स्ट चॉइस का मिल गया, उसने चॉइस ही गलत भर दी, ठीक है। जिसको पुणे भरना था उसने तिरुपति भर दिया, जिसको पुणे में चाहिए या मोहाली में चाहिए, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हाँ कंडीशन बनती है, 1-2 सीट तो मिल जाती है, क्योंकि तुम्हारे अगर 160 मार्क्स है तो तुम्हारा आसानी से हो सकता है ना स्पोर्ट में, अगर तुम्हारे लिए 1 सीट भी बची हुई हो तो तुम्हारे लिए वो गोट साबित हो सकती है। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। गोट से परे करें कि आपको आपके लिए कोई ना कोई सीट छोड़ के चले जाए, ताकि आपको सीट मिल सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।